हेलो दोस्तों, रोबोज्ञ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल में हम न्यू टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनी के सीईओ एलन मस्क की एक और कंपनी न्यूरालिंक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम न्यूरालिंक क्या और कैसे काम करके हमारे फ्यूचर को चेंज करने का ट्राई कर रही है, इस बारे में बताएंगे। न्यूरालिंक एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है। इस टेक्नोलॉजी में हमारे ब्रेन में एक्सटर्नल डिवाइसेस या ब्रेन के अंदर चिप लगाई जाती है, जिससे हम डायरेक्टली किसी कंप्यूटर, मोबाइल या अदर डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं और सीधे अपने माइंड से थॉट करके इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूरालिंक ब्रेन में लगने वाली चिप्स पर काम कर रही है। ये चिप एक कॉइन के साइज़ की है, जिसका डायमीटर लगभग 8 मिलीमीटर है। इस चिप में ह्यूमन हेयर से 20 गुना कम थिकनेस के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इस चिप को हमारे हेड में इम्प्लांट करने के लिए हमारे हेड के कॉइन साइज़ के हिस्से को निकालकर उसमें इस चिप को इम्प्लांट किया जाता है, जिससे ये हमारे ब्रेन से सिग्नल को रिसीव और सेंड कर सकती है। ये एक वायरलेस चिप है, जिसे आप सोते समय चार्ज कर सकते हैं और ये ब्लूटूथ की मदद से हमारे मोबाइल और कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस चिप को लगाने से क्या होगा, तो इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। हमारा जो ब्रेन है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल न्यूरॉन्स के द्वारा सेंड करता है और हमारे ब्रेन्स में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक जाल जैसा नेटवर्क बनाते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। न्यूरालिंक की इस चिप में लगे हुए इलेक्ट्रोड्स इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं और कंप्यूटर को भेजते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स के इन एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करते हैं। ब्रेन ह्यूमन बॉडी में सबसे प्रीसियस पार्ट है, जिस पर सर्जरी भी बहुत केयरफुली करना होता है। इसके सॉल्यूशन के लिए न्यूरालिंक की टीम ने एक रोबोट भी डिज़ाइन किया है, जो हमारे ब्रेन में सर्जरी करके इस चिप को लगभग 1 घंटे में इम्प्लांट कर सकता है। एलन मस्क के अकॉर्डिंग इस सर्जरी को करवाने के सेम डे बाद आप अपने घर भी जा सकेंगे। न्यूरालिंक की टीम के अकॉर्डिंग ये चिप मेंटल इलनेस, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस जैसी डिसीजेस को सही करने में हेल्प करेगी। ये चिप ब्रेन के इनएक्टिव पार्ट्स में सिग्नल भेजकर उन्हें वर्क करवाने में हेल्प करेगी। अभी तक न्यूरालिंक के इस चिप को पिग्स और मंकी पर सक्सेसफुली यूज़ किया जा चुका है। हम न्यूरालिंक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इन्होंने इस चिप को 3 पिग्स पर यूज़ करते हुए वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पिग पर ब्रेन इम्प्लांट नहीं किया गया है। सेकेंड पिग पर ब्रेन इम्प्लांट करने के बाद उसके ब्रेन में लगी हुई चिप्स को बिना किसी इशूज के रिमूव कर दिया गया है और थर्ड पिक के ब्रेन में इस चिप को 2 महीने से लगाया गया है। हम इस वीडियो में इस पिक के ब्रेन में न्यूरॉन्स की लाइव रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। ये चिप पिक के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रही है और उसके फ्यूचर मूवमेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर रही है। इस चैनल के एक और वीडियो में हम पेजर नाम के मंकी के वीडियो को भी देख सकते हैं। इस मंकी के ब्रेन के दोनों साइड में चिप लगाई गई है। ये मंकी पहले जॉयस्टिक की हेल्प से पिंग पोंग गेम को प्ले करता है, पर जब इस जॉयस्टिक को हटा दिया जाता है तब भी ये इस गेम को बिना किसी प्रॉब्लम के अपने माइंड में थॉट करके प्ले करता रहता है। न्यूरालिंक अब इस चिप को ह्यूमन ब्रेन में भी यूज़ कर सकेगा। इसके लिए इसे FDA US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ह्यूमन्स बॉडी पर इसे यूज़ करने की परमिशन मिल चुकी है। यदि हम इस टेक्नोलॉजी में एक्सेलेंट हो जाएं तो इसे हम फ्यूचर में कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। हम ब्रेन रिलेटेड डिसीजेज को इस वर्ल्ड से पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, हियरिंग, विजन और पैरालिसिस को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, और तो और हम अपने ब्रेन को डिजिटल इंफॉर्मेशन से सीधे कनेक्ट कर सकेंगे और न्यू स्किल्स लैंग्वेज को हम अपने ब्रेन में सीधे डाउनलोड भी कर पाएंगे और इन स्किल्स को थोड़े ही टाइम में यूज़ भी कर पाएंगे। हो सकता है हम हमारी पुरानी मेमोरीज़ को डाउनलोड कर सकें और ख़राब मेमोरीज़ को डिलीट भी कर सकें। हो सकता है इस टेक्नोलॉजी से शायद हम फ्यूचर में हमारे पूरे ब्रेन को डाउनलोड कर लें और इसे किसी रोबोट या न्यू ह्यूमन बॉडी में डाल सकें।
हम इसका यूज़ कर माइंड टू माइंड टॉक कर लें, और तो और हम अपने ब्रेन के उन पार्ट्स को भी एक्टिव कर लें जिससे हम सुपरविजन, सुपर हियरिंग जैसे काम भी कर पाएँ। हो सकता है हम इसे एनिमल्स पर परफेक्टली यूज़ कर पाएँ और उनके फीलिंग्स और इमोशन को भी जान सके। इस टेक्नोलॉजी को हम फ्यूचर में कई जगह यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इस टेक्नोलॉजी के स्टार्टिंग फेज में हैं, पर इसके फ्यूचर यूज़ कई हो सकते हैं। हो सकता है ये हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे ही एलन मस्क ने हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा माना हुआ है, हम इस चिप का यूज़ करके इंसानों को भी सुपर इंटेलिजेंट बना सकें। इस चिप के इतने सारे अच्छे यूजेस के साथ साथ कुछ पोटेंशियल रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे हमारी प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी और हमारे थॉट और इन्फॉर्मेशन का गलत तरह से यूज़ हो सकता है। और यदि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली डेवलप्ड हो भी जाती है तो क्या इसे सभी लोग यूज़ कर पाएंगे या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी अमीरों के पास ही होगी, ये सोचने वाली बात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।